हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे सैमसंग का DVM-S या DVM कोई भी हो सैमसंग का BRB में, तो उसको हम कैसे कमीशनिंग करने के लिए, सबसे पहले नया आउटडोर है इसको कैसे सेटिंग करेंगे, कौन सा बटन से सेटिंग होता है, कितना इंडोर है। सबसे पहले सेटिंग करने के लिए सारा इंडोर को ऑन रखेंगे लाइन दे करके, फिर आउटडोर में लाइन देना है। आउटडोर में भी लाइन देने के बाद F1 F2 को कनेक्ट कर लेना है आउटडोर में। इंडोर में भी F1 F2 में कनेक्ट रहेगा, अगर ये मास्टर है तो F1 F2 में, अगर स्लैब है स्लैब में जा रहा है F1 F2 से आपका होते हुए स्लैब में जाएगा। तो पहले मास्टर में सेटिंग करेंगे, टोटल मास्टर से ही सेटिंग होता है। तो अभी हमारा पर आ रहा है ODND यानी आउटडोर यूनिट नॉट डिटरमाइंड। जैसे अभी हमारा एरर दिखा रहा है, ये एरर नहीं है, रिमाइंडर बता रहा है ODND यानी आउटडोर यूनिट नॉट डिटरमाइंड। तो या फिर ज़्यादा टाइम से रहेगा यहाँ पे तो ई दूसरा एक आ जाएगा, एरर आ जाएगा। कुछ टाइम अगर इसी को छोड़ देंगे तो एरर आने लगेगा। तो हमें इंडोर सेटिंग करना है, तभी सबसे पहले इंडोर सेटिंग करेंगे। उससे पहले भी जान सकते हैं आउटडोर सेटिंग भी कैसे होता है। सबसे पहले ऑप्शन में जाएंगे, K1 और K2 को विदिन 3 सेकंड तक प्रेस करके होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे आया OD00। अब सपोज डेट इससे आगे हमारा स्लैब लगा हुआ है, ये कौन सा आउटडोर है, 1 है 2 है या 00 है, इसको 00 रखना है अगर स्लैब में है। फिर इसी तरह K1 K2 को प्रेस करके K4 का अगर एक मरतबा हम प्रेस करते हैं तो जैसे हमारा OD1 हो गया यानी दूसरा आउटडोर का ये सेटिंग, फिर 2 हो गया और तीसरा आउटडोर का सेटिंग, 3 हो गया आपका चौथा आउटडोर का सेटिंग हो गया, फिर उसके बाद OD00 ही है यानी फर्स्ट आउटडोर का या मास्टर का आपका सेटिंग हो गया। तो हमें आउटडोर का सेटिंग नहीं करना है क्योंकि हमारे पास अभी एक ही आउटडोर है। तो हमें आउटडोर का सेटिंग नहीं करना है, डायरेक्ट हमें इंडोर में जाना है। इंडोर में जाने के लिए OD00 आया, उसके बाद हम डायरेक्ट प्रेस करेंगे K1 को जैसे ही प्रेस करेंगे फिर से दिखा देते हैं। K1 K2 प्रेस किए, K1 K2 प्रेस करने के बाद OD00 आया, उसके बाद हमें चले जाना है K1 को प्रेस करने। एक मरतबा K1 को जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ID00। ID00 आया यानी ID00 में आपका आगे इंडोर यूनिट कितना है वो आपको सेटिंग करना है। जैसे हमारे पास अभी इंडोर यूनिट है, टोटल इंडोर यूनिट हमारे पास अभी 7 इस आउटडोर से कनेक्टेड है। 7 इंडोर यूनिट सेविंग करने के लिए ID00 आया। K4 से अगर 1-1 टाइम प्रेस करना है, आपके पास 7 इंडोर यूनिट है, K4 से अगर प्रेस कीजिएगा तो सिंगल जाएगा डिजिट। अगर आपको ज़्यादा इंडोर है जैसे 12 है 13 है 15 है 20 है 25 है 35 है, अगर K2 को हम प्रेस करते एक मरतबा, जैसे हमारे पास अभी अगर हम K2 को प्रेस करते एक मरतबा तो ID10 आ गया। अगर इसी को हम एक मरतबा K4 को एक मरतबा प्रेस करते तो 11 आ गया, यानी अगर K2 को प्रेस करते 1 टाइम तो 10 डिजिट भागेगा, 10 डिजिट आगे के जाएगा। अगर K4 को 1 टाइम प्रेस करते हैं तो 1 टाइम में 1 स्टेप आगे बढ़ेगा। तो हमें अभी हम 7 इंडोर सेट करना है। इसको फिर से हम वापस लाते हैं, 21 31 41 51 61 1 आ गया, फिर हमें 7 से भी करना, अभी 7 हो गया। ID07 यानी मेरा इंडोर यूनिट का अभी हम 7 सेटिंग कर दिए कि मेरा इंडोर यूनिट सेविंग सेट करना है। ID07 आ गई यानी मेरा इंडोर यूनिट 7 सेट करना है। अब सेव करने के लिए कोई भी फंक्शन सेव करना है, सेव फंक्शन करने के लिए K2 को 3 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो हमारा ये फंक्शन थोड़ी देर में सेव हो जाएगा। प्रेस एंड होल्ड करके छोड़ देना है तो ये सेव हो जाएगा। अभी देखिए हमारे पास सेव हो गया है, थोड़ी देर में OD00 आया। अब ये काउंट करेगा, काउंट करने के बाद कुछ देर में UP आएगा, जब टोटल मशीन काउंट कर लेगा तब। अगर UP आ गया समझिए टोटल मशीन अब मेरा कमीशनिंग करने के लिए रेडी है। अब हमारा मशीन कमीशनिंग के लिए रेडी हो जाएगा जब UP आएगा तब। UP आएगा तो आपको दिखला रहे हैं, UP आएगा तब। अब यहाँ मशीन काउंट कर रहा है कि कितना मशीन आया हुआ है। देखिए अब हमारा आउटडोर में UP आ चुका है यानी अन प्रोग्रेस हो गया है। अब UP आ गया यानी हमारा मशीन अब कमीशनिंग के लिए रेडी है। अब UP आ गया, अब डायरेक्ट आप कमीशनिंग कर सकते हैं। यानी टोटल इंडोर काउंट कर चुका है, आउटडोर भी काउंट कर चुका है, यानी मशीन में आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट आपका 7 इंडोर कनेक्ट कर चुका है और वो आपका हो गया रेडी, आप कमीशनिंग मोड तक आ गया है। ओके, थैंक यू।